हमारे दादाजी बीच में गुजर गए थे और तो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई भी पीछे हो गई थी और स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा था और ऑनलाइन में भूले नहीं कुछ समझ नहीं आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे मिला। वो बचपन से ही मेरे हाथ पकड़ के लिखना सिखाए और कभी भी स्कूल नहीं जाते तो वो बहुत डांटते, कहते बस एक ही प्लानिंग है मेरा, मेडिकल में जाना। मेडिकल में जाना हाँ, और अपने मम्मी का सपना पूरा करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी खासियत ये है कि पेशेंसफुल लड़की है। यस, पूरा पेशेंस से भरी हुई है जी। उसके बाद इसके जो गार्जियंस हैं माता पिता बहुत ही कोऑपरेटिव हैं जी। मैं रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ तक ला करके मेरे बच्चे को प्रोत्साहित किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहाँ हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार ENT स्पेशलिस्ट। कहते हैं ना, जिंदगी वो नहीं जो आपको मिलते हैं, जिंदगी वो जो आप बनाते हैं। तो चलिए इसी बात को सच करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्योति कुमारी, जो कि तेघड़ा DPS से 76% मार्क्स 10th में लाके अपने परिवार का नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने जिला का नाम रोशन किया। चलिए उनसे जानेंगे उनकी ये सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। माई नेम इज़ ज्योति कुमारी, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर शिव कुमार सिंह, माई मदर्स नेम इज़ रोज देवी, आई लिव एट हसनपुर। ज्योति कुमारी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो आपने 10th की परीक्षा में 76% मार्क्स ला के अपने विद्यालय का जो नाम रोशन किए हैं, इसमें सबसे पहले आप किन्हें श्रेय देना चाहेंगे, इसके बारे में बताइएगा। मैं अपने दादाजी को देना चाहती हूँ। अच्छा, स्वर्गीय कमलेश्वरी प्रसाद सिंह। अच्छा, वो बचपन से ही हमको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, 10th के एग्जाम में भी हमारा बहुत हेल्प किए वो, और फिर वो चल बसे। ज्योति कुमारी, हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, आपका जो प्रारंभिक में शिक्षा दीक्षा जो शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ से आपने पढ़ना लिखना शुरू किया, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, किस स्कूल से स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं शुरू से ही DPS स्कूल में पढ़ती आ रही हूँ। अच्छा, और हमारे मम्मी, मेरी मम्मी वो शिक्षिका है जी, वो भी मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। अच्छा, और मेरे पापा भी बहुत मदद किए, और सबसे ज्यादा मेरे दादाजी मदद किए बचपन से ही। बिल्कुल। हम ज्योति एक सवाल यहाँ से और लेना चाहेंगे, अगला सवाल, जैसे कि आपने जब पढ़ाई के क्रम में पढ़ाई जब स्टार्ट किए थे तो आपको बहुत सारा ऐसा हुआ जब मन नहीं लग रहा होगा, कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थियों में जो मन नहीं लगता है, तो उस वजह में, उस सिचुएशन में आप क्या करते थे और आपके एक मोटिवेटर के रूप में आपको समझाने बुझाने का जो काम करते थे वो कौन करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब भी पढ़ाई का मन नहीं होता था तो हमारी मम्मी समझाती थी कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए हमारी मम्मी ही समझाती थी। ज्योति, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के दरमियान में आपने जो 76% मार्क्स लाए, तो इसके लिए आपको कितने देर का मेहनत करना पड़ता था और किस ढंग से आप पढ़ते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम इस सुबह उठते थे 4 बजे, लगभग 4 बजे उठते थे और 4 से 7 पढ़ते थे। उसके बाद हमारी मम्मी नाश्ता उस्ता करके फिर मम्मी बोलती थी पढ़ने के लिए, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते थे और 12 बजे फिर खा पी के रेडी हो जाते थे और फिर पढ़ाई करने शुरू कर देते थे। हमारे सर भी आते थे पढ़ाने, कोचिंग वाले, और वो पढ़ाई करते थे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते थे, उसके बाद फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते। बिल्कुल। ये सारी जानकारी आप इनसे सुन रहे हैं। हम इसी क्रम में अगला सवाल लेना चाहेंगे ज्योति, जैसे कि आप स्कूल, कोरोना काल में स्कूल काफ़ी बंद रहा, तो इस सिचुएशन में आपको क्या क्या समस्या झेलनी पड़ी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ऑनलाइन में बहुत कुछ समझ भी नहीं आता था, लेकिन फिर हमारी मम्मी टीचर है तो वो समझाती थी, और
फिर उसके बाद स्कूल खुले और मेरे ट्यूशन वाले टीचर भी थे, वो भी पढ़ाए, दो दो घंटा पढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद स्कूल खुली तो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। बिल्कुल। और वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे थे जी। और सिलेबस तो पूरा ही वो खत्म करवा दिए। वाह। आप सुन रहे थे ज्योति कुमारी से, जो इनके स्कूल का जो बैकग्राउंड रहा था, स्कूल के जो टीचर रहे थे काफी इनको सहयोग किए थे। थोड़ा बहुत इन्हें ऑनलाइन की पढ़ाई में समझ नहीं आती थी, फिर भी इनकी माता के द्वारा इन्हें काफ़ी सहयोग मिलता था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बताया कि DPS स्कूल में पढ़ाई जो होती है बहुत अच्छी होती है, निश्चित रूप से वो पूरी सिलेबस खत्म करवाते हैं। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे ज्योति, आपके विद्यालय में और आपके क्लास आवर जो आपका पूरा होता है 8 घंटे या 7 घंटे या 5 घंटे जो भी होता है, तो उस दरमियान में आपको सबसे ज़्यादा चहेते शिक्षक कौन आपको लगते हैं? हमारे प्रिंसिपल सर थे SP सिन्हा सर, वो बहुत अच्छे टीचर थे। अच्छा अच्छा। वो SST बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा 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 अच्छा। कुल मिला के आपका जो सब्जेक्ट था, कितने सब्जेक्ट था और कितने सब्जेक्ट में कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने में ज्यादा रुचि लगती थी, इसके बारे में? हमारे 5 सब्जेक्ट थे। यस। और SST और इंग्लिश अच्छे पढ़ते थे। अच्छा लगता था। तो हम जानना चाहेंगे आपको जो 76% मार्क्स आया है, तो सबसे हाईएस्ट किस विषय में आपको मार्क्स आया है, इसके बारे में? SST में आया है। तो आगे का जो आपका रणनीति है, आगे का 12th में जो आप एडमिशन करवाइएगा, 11th में एडमिशन करवाइएगा, तो आप उसमें कौन सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे और वो सब्जेक्ट आप आखिर क्यों लेंगे? मैं बायोलॉजी लेना चाहूंगी। अच्छा। हमारी मम्मी की ख्वाहिश है कि मैं BSc नर्सिंग करूं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए। तो फिर मम्मी की ख्वाहिश है या फिर आपका ख्वाहिश है, दोनों का ख्वाहिश निश्चित रूप से मिलना चाहिए। हाँ, उसके बाद दोनों को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे जाके आप बायोलॉजी लीजिएगा। और आगे का क्या प्लानिंग है, गाँव में रह के पढ़ना या फिर कहीं अलग जाके पढ़ना, क्या प्लानिंग है आपका? नहीं नहीं, 12th के बाद हमारे पापा जहाँ भेजेंगे वहाँ चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम जानकारी आप ज्योति जी से सुन रहे थे। हम ये जानना चाहेंगे आपको पढ़ाई के दरमियान में आपकी फैमिली से जो सपोर्ट मिल रहा था वो किस रूप में सपोर्ट मिल रहा था, और आपके फैमिली में जो फैमिली मेम्बर हैं वो, जहाँ तक आपने बताया कि मम्मी मेरी शिक्षिका हैं, तो और भी आपके परिवार के लोग काफ़ी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हम मेरे नाना जी भी हैं, टीचर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हमारे पढ़ाई में, और हमारी मम्मी भी और मेरे दादाजी भी। अच्छा 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 अच्छा। ज्योति, यहाँ से हम एक सवाल लेना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि दादाजी हमारे काफ़ी मोटिवेटेड थे, हमें काफ़ी मोटिवेट करने का काम करते थे, तो उनसे क्या आपको खास सीखने के लिए मिला, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा? हमें बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे मिला। वो बचपन से ही मेरे हाथ पकड़ के लिखना सिखाए, और कभी भी स्कूल नहीं जाते तो वह बहुत डांटते, कहते थे पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ से अगला सवाल हम लेना चाहेंगे ज्योति। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 76% मार्क्स आया, तो इसमें कहाँ कमी रह गई जो 76% मार्क्स में रुकना पड़ गया, उससे ज़्यादा नहीं अचीव हो पाया, इसमें थोड़ा बताइए कहाँ कमी आपकी लगी? हमारे दादाजी बीच में गुजर गए थे। अच्छा, तो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई भी पीछे हो गई थी, और स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा था, और ऑनलाइन में बोले नहीं कुछ समझ नहीं आ रहे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, हमारी मम्मी भी टीचर थी तो उनको भी क्लास मिल रहा था ऑनलाइन। बिल्कुल। तो इसके कारण पीछे रह गए, लेकिन कोशिश रहेगी कि 12th में अच्छे मार्क्स लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे की सवाल जो हम लेना चाहेंगे, जो 70% मार्क्स में जो इन्होंने सीमित रह गए, उससे पहले हम बताते हैं, जो कहीं ना कहीं एक कोरोना का जो एक भयावह स्थिति था, इस स्थिति में इन्होंने स्कूल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये त्रुटि रह गई जिसकी वजह से 76% मार्क्स में इन्हें सीमित होना पड़ा। आगे की जो इनकी रणनीति है काफ़ी अच्छी रणनीति है, तो हम इस कड़ी में आपसे सवाल लेना चाहेंगे, जो आगे जो आप पढ़ के एक कोई होता है ना फोकस अचीव, हमको ये चीज करना है, तो आगे की आपका क्या प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बस एक ही प्लानिंग है मेरा, मेडिकल में जाना। मेडिकल में जाना। हाँ, और अपने मम्मी का सपना पूरा करना। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा था, पढ़ाई में आपको आर्थिक रूप से कभी परेशानी भी करना पड़ा या फिर आपको आर्थिक रूप से परेशानी नहीं करना पड़ा, काफी पारिवारिक स्थिति स्ट्रांग था जिस वजह से आप अच्छे मार्क्स लाए? हाँ, मेरा घर कोई सहयोग किया पढ़ाने में। मेरे चाचा जी भी कहते थे कि चलो हम तुमको प्रतिग्राम में रह के पढ़ाएंगे, लेकिन फिर कोरोना काल की वजह से नहीं जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मेरे पूरा परिवार ने मुझे साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
और खास करके मेरे दादाजी दिए और फिर हमारी मम्मी दी। तो ये 76% मार्क्स ला के आपको विद्यालय के शिक्षकों और विद्यालय के जो तमाम सहयोगी शिक्षक थे जो आपको सींचने का काम किया या फिर आपके कोचिंग के जो सर सींचने का काम किया है, तो इसमें उन तमाम शिक्षकों की क्या सहयोग आपको लगा, क्या उनका कहाँ तक उनका सहयोग मिला, कहाँ तक आपको सपोर्ट मिला, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला और ऑनलाइन क्लास भी स्कूल करवाती थी और हमारे कोचिंग वाले सर भी जी बहुत सब मेहनत किए। तो इसी कड़ी में हम आपको इनके परिवार वालों के कुछ सदस्य हैं, इनके माता जी हैं, उनसे भी मिलवाएंगे और जानेंगे जो 76% मार्क्स जब इनकी लड़की लाई तो उनमें कितना खुशी है और फिर आगे की जो इनकी भविष्य बच्चे के लिए क्या करना चाहेंगे उनसे जानेंगे। आप लोग इस खास एपिसोड में बने रहिए और देखते रहिए के वीडियो का यह खास प्रसार। तो ये ज्योति जी की जो तमाम जानकारी आप लोग सुन रहे थे हमारे इस खास एपिसोड में, इस कड़ी में हम एक अच्छी जानकारी और देना चाहेंगे ज्योति जी के बारे में। इनमें जो एक कला है वो पेंटिंग की भी कला इनमें है, तो इनसे जानेंगे जो पेंटिंग करना कहाँ से सीखे। ज्योति जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, पेंटिंग के प्रति आपका रुझान कैसे आया और कब से आप पेंटिंग कर रहे हैं? मुझे बचपन से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और स्कूल में भी पेंटिंग क्लास होती थी, प्ले भी होती थी वहाँ, तो मुझे सबसे ज्यादा रुचि पेंटिंग में ही आती। अच्छा 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 अच्छा। जैसा कि मैंने जाना कि किसी व्यक्ति को देखने के बाद हूबहू आप उनका चित्र बना देते हैं, तो ये कला आपको सबसे पहले कैसे सीखना हुआ, कहाँ से आप स्टार्ट किए थे बनाने के लिए? सबसे पहला जो आपका चित्र बना था वो किस कौन सा चित्र आप बनाए थे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी? सबसे पहले तो मैं अपने पापा की फिगर बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई, मेरे पापा भी खुश हुए, काफी खुश हुए देख के। और मैं बचपन से ही पेंटिंग करती थी। बिल्कुल। पहली फिगर तो मैं अपने पापा की ही बनाई थी। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आगे पेंटिंग के क्षेत्र में भी जाने का आपका कोई रुझान है या फिर सिर्फ एक शौक से आप पेंटिंग बनाते हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरी शौक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जानकारी आप ले रहे थे ज्योति कुमारी से, जो इनकी पेंटिंग के क्षेत्र में जो इनका रुझान है वो काफी अच्छा रुझान है। आप कही जाए तो एक हूबहू चित्र इन्होंने बनाने का काम करते हैं, आपको देख के सेम टू सेम चित्र उतारने का काम करते हैं, तो इनमें जो एक कला है वो वाकई में काबिले तारीफ कला है। इनकी उज्ज्वल भविष्य की हम पूरी केवी शुरू टीम की ओर से कामना करते हुए अग्रिम शुभकामना देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे, ये देखते रहिए कि विष्णु का खास प्रसंग। ज्योति कुमारी हम ये जानना चाहेंगे जो हमारे इस खास एपिसोड में जुड़ के आपको कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो अपनी टीम को मेरे घर पे भेजे, मैं बहुत ही खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास एपिसोड में जुड़ने के लिए। मैं इस कड़ी में इनके फैमिली मेंबर जो हैं उनसे मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं उनकी क्या कहना है इस बच्ची के लिए। आप लोग देखते रहिए। जी नमस्कार। नमस्ते। हम जानना चाहेंगे जो ज्योति कुमारी आपकी लड़की है और उन्होंने 76% मार्क्स आई है, कितना खुशी है और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नंबर तो ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी को लेकर के थोड़ा मायूस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि इंटर में सबसे अच्छा मार्क्स लाए और मेहनत करें। जी 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 जी। हम ये चीज़ जानना चाहेंगे जो ज्योति बचपन से इनका जो स्वभाव था और पढ़ने का जो सिलसिला था, जैसे होते हैं ना बहुत बच्चे खेलने के प्रति उनका ज़्यादा रुझान रहता है, जैसा कि इनका जो एक रुझान होता है इनका पेंटिंग के प्रति भी रुझान है, तो इनका पेंटिंग के प्रति और पढ़ाई के प्रति और खेलने के प्रति तो किस में बहुत ज़्यादा इनका रुझान था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे ज़्यादा इसका रुझान था जो ये पेंटिंग बहुत अच्छा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा चेहरा रहता है वैसा ये पेंट करती है चेहरा का। अच्छा, तुरंत फॉलो कर लेती है उसका। अच्छा आप चित्र बनाती है ये। और इसके बाद ये प्रतिभावान लड़की है, इसके अंदर बहुत प्रतिभा है। बिल्कुल। ये चाहती है जो हम आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। जी हाँ, जैसा कि अभी ज्योति कुमारी ने हमें बताया कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तो इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और अपना नाम और अपने जिले का नाम और अपने राज्य का नाम रोशन करें। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे जो हमारा यह खास एपिसोड, जो एपिसोड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को दिखाने का काम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर रोशन सर का जो यह प्रयास है, आपको कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ तक
ला करके मेरे बच्चे को प्रोत्साहित किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लड़की ने जो 76% मार्क्स लाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरी केबी स्टूडियो की टीम की ओर से। आप देख रहे थे खास प्रसारण। आप ज्योति जी को होम ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे, ज्योति कुमारी को, तो ज्योति कुमारी में आपको क्या खास लगा जो 76% मार्क्स लाई, और क्या कमी लगी जो 76% मार्क्स में सीमित रहेगी? पहले तो हम अपना नाम बता दें आपको। मेरा नाम सत्यम कुमार गौतम है। जी जी, टेगरा में मेरा इंस्टीट्यूट है सत्यम क्लासेस। जी जी जी, वहाँ पे वहीं से हम लोगों का पहचान हुआ, जिससे कि हम ज्योति को पढ़ाने आए। ज्योति में सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेशेंसफुल लड़की है। येस, येस। पूरा पेशेंस से भरी हुई है। उसके बाद इसके जो गार्जियंस हैं, माता पिता, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जी जी, इसको कोऑपरेट समय समय करते रहते हैं और ये अपना लक्ष्य प्राप्त की। लॉकडाउन से बढ़कर और कमी क्या हो सकती है थोड़ा कम नंबर आने के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से जो परेशानी हुई, यही परेशानी इसका कम मार्क्स का कारण बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज हम यहाँ से जानना चाहेंगे सर, जो भी अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कुछ खास संदेश रहेगा इसके बारे में बताइए। सिर्फ मेरे गुरु जी ही कहते थे जी कि प्रैक्टिस प्लस पेशेंस इक्वल टू सक्सेस। यस यस, प्रैक्टिस जितना कर सकें आप कीजिए, और पेशेंस तो होना हर एक विद्यार्थी में जरूरी है। जी जी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी 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 जी, जैसा कि हम जान रहे हैं कि ज्योति कुमारी में एक कला और खास करके है, पेंटिंग का कला जो है, तो इसके बारे में सर आप वाकिफ होंगे, तो क्या कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पेंटिंग भी इनको डाइवर्ट किया है कम मार्क्स के लिए? जी नहीं, ये मुझे नहीं लगता है। जी, क्योंकि ये कोई भी कला होना उसमें तो अंदरूनी गुण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसके लिए बहुत ही बेहतर है कि उसमें ये गुण है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसे ये निखारने का काम करे। पढ़ाई लिखाई में कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। जी जी, बाहरी कोई फैक्टर उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। जी जी, खास करके जो हमारी खूबी है वो तो और भी नहीं। जी जी जी, सर आप एक शिक्षक हैं, और एक शिक्षक के नाते से हम ये सवाल ले रहे हैं आपसे। हमारा ये डॉक्टर रोशन सर का जो एक खास मुहिम है, जो छुपे हुए प्रतिभा को अपने मंच के और अपने बड़े पर्दे पे दिखाने जो काम करते हैं, या जो इनका एक मुहिम जो चल रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा है। हम पिछले कई दिनों से ये चैनल के वी स्टूडियो देखते हैं। जी जी, हमारे गुरुदेव का भी इंटरव्यू इस पे आया है, मेरे एक दोस्त है उसका भी आता है। जी, तो आज हमें भी मौका मिला, हम भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और बेगूसराय के लिए तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास एपिसोड में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये था ज्योति कुमारी का पूरा कहानी जो आप सुन रहे थे, जिन्होंने देखा डीपीएस स्कूल से 76% मार्क्स लाके 10th की सीबीएसई बोर्ड से अपने परिवार का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने जिले का नाम रोशन किया है। मेरी पूरी केवी स्टूडियो की टीम से उन्हें पुनः बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए हमारा यह खास एपिसोड। हाँ, ये वीडियो देखने के लिए मेरा डॉक्टर रोशन कुमार जी का एक फेसबुक पेज है, उस पेज को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के प्रतिभावान बच्चों से मिलने का आपको मौका मिलता रहे। हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के प्रतिभावान बच्चों से मिलने का आपको मौका मिलता रहे। हाँ, आपको वीडियो कैसा लगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खास एपिसोड से मैं विदा लेता हूँ। कैमरामैन रॉकी कुमार के साथ केबी स्टूडियो, थैंक यू।